एवरीवन, स्वागत है आपका वर्षा ब्यूटी केयर चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीनेजर हेल्थ टिप्स, यानी कि टीनेजर्स अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं और क्या कुछ उन्हें खाना चाहिए और क्या कुछ उन्हें स्किप करना चाहिए। और आज की मेरी वीडियो उन मदर्स के लिए भी है जो कि टेंशन में होती है कहीं काफ़ी बार कि हम अपनी बेटियों को क्या कुछ दें और क्या कुछ खाने में नहीं देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, हाँ गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो और बहुत ही हेल्पफुल भी है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ बात करती हूँ नाश्ते की। हमें सुबह कभी भी भूखे पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। सुबह हमें हमेशा हैवी नाश्ता कर ही घर से निकलना चाहिए गाइज। जी हाँ, हमें भरपेट भोजन कर ही घर से निकलना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो भोजन होता है वो हमें पूरे दिन की एनर्जी देता है, पूरा दिन हमारा एनर्जी लेवल बनाए रखता है। तो इसीलिए कभी भी हमें सुबह नाश्ते को स्किप नहीं करना चाहिए। और अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर 11 बजे, यानी कि 11 बजे जब हमें दिन में इस वक्त भूख लगती है तो हमें क्या कुछ खाना चाहिए। इस वक्त पर आप खा सकते हैं स्प्राउट्स, खा सकते हैं भुने चने, खा सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल सैंडविच, खा सकते हैं स्मूदीज ले सकते हैं, या अपना फेवरेट कोई भी आप जूस पी सकते हैं, शेक्स पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप 11 बजे खाइए गाइस, इससे आपका एनर्जी लेवल भी बना रहेगा और आपका पेट भी भरेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आप लो फील नहीं करेंगे। और अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर लंच की। लंच में हमें सभी तरह की वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। आप जैसे कि एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल, चपातीज एंड राइस आप ले सकते हैं। और सैलेड हमेशा खाएं लंच टाइम में। कोशिश करें कि आप लंच में सैलेड भी ज़रूर लें और एक कटोरी दही भी ज़रूर खाएं गाइस। इसे भी अपने मील में ज़रूर शामिल करें, इससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा और भी बहुत सारे आपको पोषक तत्व मिलेंगे। और ये थी लंच की बात। और अब मैं बात करती हूँ 4 से 6 बजे के बीच में जो हमें छोटी मोटी भूख लग जाती है, या उस बीच हमें क्या कुछ खाना चाहिए। उस बीच हम खा सकते हैं स्प्राउट्स और चने, यानी कि भुने चने की चाट भी आप खा सकते हैं, वेजिटेबल सैंडविच आप खा सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स खाइए गाइस जितना हो सके। और हेल्दी स्नैक्स में जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, जैसे कि पोहा, इडली, आप ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं। और जितना हो सके चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए गाइस, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। और अब मैं बात करती हूँ रात को खाने की। रात को हमें हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए। ज़्यादा हैवी भोजन करने से हमें अच्छी नींद नहीं आती है और इससे हमारी नींद में डिस्टर्बेंस भी आ सकती है गाइस। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप हल्का भोजन लें, जैसे कि दाल एंड राइस। और अब मैं बात करती हूँ दूध की। दूध हमें कभी भी अपने भोजन से स्किप नहीं करना चाहिए। रात को सोते वक्त हमेशा हमें गुनगुना दूध पीकर सोना चाहिए। एक ग्लास दूध हमें डेली पीना चाहिए गाइस, क्योंकि इससे हमारी बोन्स हेल्दी रहती हैं, हमें कैल्शियम मिलता है। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊँ गाइस कि कभी भी हमें ड्राई फ्रूट्स को अपने भोजन से स्किप नहीं करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, बहुत ही हेल्दी होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप हमेशा शामिल कीजिए अपने भोजन में। ड्राई फ्रूट्स आप 4 बजे के करीब भी खा सकते हैं और सुबह 11 बजे के आसपास भी आप खा सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे तो आप इसे ज़रूर खाइएगा। जैसे कि आप अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश और अंजीर हमें ज़रूर खाने चाहिए गाइस। ये सभी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें फिट बनाए रखने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और इससे हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें ड्राई फ्रूट्स को अपने मील से स्किप नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो गाइस, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं और भी अच्छे अच्छे टिप्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।